एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे। हमने खाना वाना खाया एंड निकले बाहर। देखो यार कितनी फॉग है, ये देखो शिकारी वाली धारटी वगैरह कुछ नहीं दिख रहे यहाँ से, पहाड़ तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। कितनी सारी देख सकते हो आप, यहाँ से सीधा दिखता था शिकारी वगैरह। एंड हल्की सी धूप निकली है यार बिल्कुल। एंड मेरी भाई बहन ने ना सत्यानाश कर दिया अपनी बाइक का। ये देखो छोटी जैसी लाई थी इनके लिए ना, साइकिल टाइप, वो कर दी सारी। ये देखो तोड़ दी यार, अभी दिखाती हूँ। ये देखो यार साइकिल का एक टायर ही निकाल दिया इन्होंने, अब चला कैसे चलाएगी बिना टायर के। ये देखो यार कैसे तोड़ देते हैं ये देखो। हाँ जोड़ देगी, ये नहीं लगेगा ही नहीं बिना यार बिना टायर के कैसे चलेगी दीपू। ये देखिए यार आज साइकिल का ना सत्यानाश कर दिया इन्होंने। यहाँ बताती हूँ, यहाँ देखो यहाँ फेंक दिया इसका टायर। ये देखो ऐसे आप करो इसको सही, करो सही। किसने बोला तुम्हारे को? ये देखो यार साइकिल का सत्यानाश कर देते हैं यार इनको ना। एक भी चीज लाने का मन नहीं करता, ये ना बिल्कुल कर देते हैं डेड चीज। ये मतलब कुछ ही देर में अगर इनको कुछ भी लाएंगे ना गाड़ी वगैरह, वो ना शाम तक खत्म हो जाती है टूट टूट के। ये तो इसको तो लेकर तब भी 4 मंथ हो चुके थे बट फिर भी इन्होंने रखी, बट अब सारा कर दिया यार खराब। ये रुको अभी भी कैसे लगे है इसको करने के लिए, बस कितनी जोर से दीपे मत मार बिल्कुल हो जाएगी यार। इनका तो लगा रहता है हर टाइम, कभी ये तोड़ देते हैं, कभी क्या तोड़ देते हैं, कभी रेत ला देते हैं, इनका तो लगा ही रहता है हर टाइम। एंड अभी जाती हूँ मैं फिलहाल काम करने, अंदर थोड़ा बहुत होगा मे बी। एंड तो मिलती हूँ आपसे बाद में। A few moments later. एंड दोस्तों अब चल पड़े हम घास को, धूप ही उड़ गई। ये ताई है मेरी, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ क्योंकि दूर है ना, डुगनाल जा रहे हैं हम। ये मेरी सिस्टर पीछे बना रही है जूड़ा, बालों को ऊपर बांध रही है। एंड अभी चल पड़े, ये देखो पानी की बोतल भी ले जा रहे हैं यार हम, क्योंकि वहां पे प्यास लगने की ज्यादा संभावना रहती है। सो हम जा रहे हैं, अब मिलते हैं आपसे। वैसे रास्ता तो मैंने सारा ही दिखा दिया है पीछे वाले ब्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो। एंड अब चलते हैं, मिलते हैं वहीं पे आपसे। दोस्तों अब पहुंच गए हम अपनी गहन में, ये देख सकते हो आप इस साइड है कितना सारा घास है यार। ये देखो कितना सारा ये काटेंगे हम अपने लिए। मैं तो 5 पौड़े ले जाऊंगी, ये 3 ले जाएगी। एंड हमारे को इतना ही बोला है तो हम इतने ही ले जाएंगे। एंड फिर मिलेंगे आपसे भाड़ा लगाते टाइम, क्योंकि अभी कर लेते हैं ना काम, घास काट लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। क्या मिला है हमें ये वाला, इसको ना नींजू बोलते हैं, इसको नींजू ही बोलते हैं। एंड पुराने बुजुर्ग लोग बोलते थे कि अगर मतलब रात को नींद आए ना तो ये तकिए के नीचे रख देना तो नींद आ जाती है, बट हमने कभी नहीं आजमाया है। बस ये मिलते रहते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं जो कि हम घास काटते हैं नींजू। एंड दोस्तों अब चल पड़े हम घर की ओर, उठा के अपने भाटू डाल दिए यार, बहुत भारी है सीरियसली। मेरी बहन उठा रही है एंड चलते हैं फिर घर की ओर। A few moments later. ये देखो अब मिल गए हमें दूसरी वाली ताई। हेलो अब ताई भी उठाएंगे बाहर, इन्होंने यहाँ ऊपर रखा है, ताई भी उठने वाले हैं। ये देखो उठा दिया, ये मेरी बहन, अब हम 3-3 है बाहर टू उठाने वाले। एंड दोस्तों अब पहुंच गए हम फाइनली अपने घर, मैं और मेरी बहन। बहुत थक गए भैयो कसम, अब खाना खाएंगे एंड रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर देखते हैं क्या करते हैं हम, क्या बनता है। सो खाना खा लेते हैं अब। एंड दोस्तों खाना खा लिया था मैंने, एंड उसके बाद ना मैं आगे सेक में बैठ गई थी क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि आगे सेक लेती हूँ। एंड आग सेकने के बाद अब निकली हूँ, 5 बजने वाली हूँ तो अब निकली हूँ बाहर। एंड अब ले रही हूँ बाहर के मज़े,
सो भाऊ एंड बेबी खेल रहे हैं यहाँ पे, व्यू मेरे भाई के बेटे वो खेल रहे हैं, अभी दिखाती हूँ यार आपको। ये देखो यार छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा रियू तो झाड़ू दे रही है यार, इनके ना खूब मजे हैं, मतलब मिट्टी के साथ एट अ टाइम लगे रहते हैं। और ये देखो क्या कर रहे हैं आप, रियू रियू मार रही है झाड़ू। एंड यहाँ देखो यार मौसम, वहां ऊपर तो लग रहा है कि जैसे बर्फ पड़ रही है, बट कोई बर्फ नहीं पड़ रही है उधर, ये बादल हैं सारे के सारे। ये देखो आज का मौसम कितना ही खराब है, यस बहुत खराब। एंड दोस्तों 5 बजे की बस भी जा चुकी है, इवन अभी 5:30 हो चुके हैं, थोड़ी देर बाद रात होने वाली है, देख ही सकते हो मेरे पीछे का नजारा कि रात होने वाली है ऐसा लग रहा हो। एंड थोड़ी टाइम बाद रात हो जाएगी, एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। सबसे मेन बात यार, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, एंड आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, एंड जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।